लोगों का बस चले तो वो तो यही कह देंगे मोमिन सर ही खत्म हो चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना लोग जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज मोमिन मलिक को मारते हैं, मार के सोते हैं और सुबह को फिर वो जिंदा मिलता है। अरे वकील हम हैं, हम देख रहे हैं कौन सा काम क्या है कहाँ है, फालतू में टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब कम्युनिटी पे ले लेके ऑर्डर ऑर्डर कॉपी निकाल के कम्युनिटी पे लगा देते हैं। अब ये नहीं देखते कि इससे लोग गलतफहमी का शिकार होंगे, लगा देते हैं। उनको पता होता नहीं, लीगल नॉलेज होता नहीं, वो कुछ भी उठा के रख देते हैं। तो गलत है ना, मैं समझाता हूँ ऐसा मत किया करो, क्योंकि फिर मुझे कुछ गलतफहमी फैल जाती है, उसको ठीक करने में आना सामने आना पड़ता है, बताना पड़ता है सबको। तो जब डाले हैं तो वो डिस्पोज ऑफ भी होंगे, उनका उनका कोई मकसद होगा डालने का, और वो मकसद हल हुआ होगा तो वो डिस्पोज ऑफ भी होंगे। वो मुझे देखना, मेरा काम है। तुम्हें जी आम खाने हैं, तुम्हें पेड़ गिनने हैं, तुम ये बताओ आम बस। तो बच्चे बिल्कुल उसको गिनवाएंगे, इसको जेल कराएंगे। अब मुझे कौन सा ग्राउंड बनाना है, किस केस के थ्रू ग्राउंड बनाना है, कौन सा पॉइंट किस केस के थ्रू मुझे प्रूव करना है, और उसकी कॉपी मुझे किस केस में कहां लगानी है, ये तो मेरा काम है ना, वो मेरी सोच है ना, मेरा बिल्कुल कानूनी सर कोपरा है ना। आप क्यों टेंशन जी लेते हो, कोई बिल्कुल नुकसान तो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, मुझे देखना है, आपके आपकी वीडियो में तो मैं जी जो मेरा काम है मुझे करने दो, उस चीज की जी जवाबदेही मेरी है, कहाँ क्या करना है, वो मेरा लीगल माइंड है, कौन से केस को क्या तो करना है यही क्या। समझा समझा सर, यही समझा समझा के मैं परेशान हो जाती हूँ लोगों को, पता फिर लोग मुझे क्या कहते हैं, तो बड़ा जानती है। हाँ भाई, मैं सर से पूछती हूँ तो मैं जानती हूँ, मैं सर से इस चीज के लिए, जब सर ने बोला है कि भैया जो चीज समझ में ना आए तो सबके पास फोन नंबर है, और नहीं है फोन नंबर तो आप जाइए और सर की कम्युनिटी पे फोन नंबर लगा हुआ है, वहां से सर से आप पूछे और उस चीज के बारे में जानकारी लें। हम तो जानकारी लेते रहते हैं इसलिए इस तरह की बात करते हैं। आज की वीडियो में मैडम सबको, यहाँ पे हमारी शबाना बहन आई हुई है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सबको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रही है कि मुसलमानों को कि धर्म परिवर्तन करिए, तो क्या इस चीज के लिए क्या इस पे कोई वो नहीं हो सकती है, कार्रवाई नहीं हो सकती है बोला। तो हैदर भाई की बेगम साहिबा है वो यहाँ पे आज की वीडियो में सभी लोगों को, जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उनको एक संदेशा दे रही है कि सभी आप लोग धर्म परिवर्तन कर लीजिए, जबकि खुद का इसका अपना धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है अभी। तो इस तरह से लोगों को कह रही है, जो हमारे मुस्लिम भाई भाई लोग हैं, कि आप लोग भी धर्म परिवर्तन कर लीजिए जबरदस्ती। अच्छा, तो कर लिया, दो चारों ने कर लिया। नहीं, एक संदेश दे रही है ना, गलत वो दे रही है ना सर। इसके किसी दिन ना आप देख लेना, आप ये सुन लेना, अगर इसकी यही हरकतें रही ना तो इसके पड़ोस की जितनी भी औरतें ना वो जुतियों से मारेंगी इसको। सर नहीं मार रही ना, वही तो परेशान सब हैं, धर्म इसने 200 जन्नत सुनो, बना रखी धर्म है। धर्म जो है ना, धर्म जो है, अपना अपना धर्म हर व्यक्ति को प्रिय है। हिंदुओं को अपना धर्म प्रिय है, मुसलमानों को अपना है, ईसाइयों को अपना है, क्रिश्चियंस को अपना है, जो सिख समाज है उनको अपना है। तो ये कौन है किसको कहने वाले कि धर्म परिवर्तन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तो अपना अधिकार है। सर एक और सवाल है, एक और सवाल है सर, बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केस ट्रांसफर होगा तो सर ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होगा या इधर से होगा, हाई कोर्ट से ही होगा ये जो नहीं, हरियाणा में आप ट्रांसफर करो। ऐसा है, दो तरह के मामले होते हैं। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो मामले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एफआईआर जिनमें होती है, डायरेक्ट कंप्लेंट होते हैं, वो मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। लेकिन ये मामला दूसरी तरह का मामला है। इसमें क्या है कि पहले अरेस्ट हुई है हरियाणा से और एफआईआर हुई है अगले दिन हुई है उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत है। तो ये अलग मामला है, इसलिए जहां से अरेस्ट हुई है वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और मामला हरियाणा में ही चलना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। अगर पहले से यूपी में एफआईआर दर्ज होती तो अरेस्ट चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट से हो जाती,
उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मामले में उल्टा हुआ है, अरेस्ट पहले हुई है, एफआईआर बाद में दर्ज हुई है, तो जहां से अरेस्ट हुई है ज्यूरिडिक्शन वहीं की है, तो इसलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद अगर हाईकोर्ट से ये हो जाएगा, अगर नहीं होता फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहरी सी बात है, और उस हवाले से भी आपके पास अभी जहरी सी बात है सुप्रीम कोर्ट, इंशाल्लाह ये उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही अल्लाह पाक जो है सारी चीजें जो है वो कर देगा। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त, वो ये है कि लाजमी सी बात है लीगल पॉइंट्स हैं वो आप सामने तो नहीं रखेंगे, गुलाम हैदर की अभी कितना आप समझते हैं कि वक्त लग सकता है भारत आने में, कितना टाइम और लग सकता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सिर्फ एक ईमेल का वक्त। अच्छा एक ईमेल जो मामला सीआईडी वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है, जो आईबी वेरिफिकेशन है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेरिफिकेशन है, वो मेरे लेटर के बाद वो सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो उसमें एडॉप्ट हो चुकी है। एक ईमेल मिनिस्ट्री ऑफ होम से आएगा मुझे, एक ईमेल जाएगा हाई कमीशन ऑफ इंडिया को जो पाकिस्तान में है, उस एक ईमेल का इंतजार है, जैसे ही वो ईमेल आता है क्लियरेंस होती है उसी टाइम उसको स्टैंप हो जाएगी उसके वीजा पे, और उसके बाद जो है ना वो भारत में आएगा। ठीक है, मतलब आप हवाले से आज ये भी बात हो गई कि जो जितनी भी जैसा आप आईबी का बता रहे हैं और दूसरे जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से ये क्लियर काम हुआ है सारा, आपको इस चीज का भी मतलब नॉलेज है कि क्लियर हो चुका है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा क्लियर हो चुका, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई वीजा रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री को जाती है तो होम मिनिस्ट्री अपने लेवल पे उसकी स्टेटस रिपोर्ट वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी से उनसे मांगती है, और वो उस चीज का पता किसी को नहीं होता, सिर्फ जो रिकमेंडेशन करता है उसके पास फोन आता है, उसके पास क्लियरेंस के लिए सीआईडी के लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि आप इसको बुला रहे हैं, तो हम उसमें बाकायदा जवाब देते हैं कि हाँ हम इसको बुला रहे हैं और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो जो हमारा वर्क है वो हम कर चुके हैं, और जो सरकार का वर्क है अंडर प्रोसेस वो अपना कर चुके हैं, सिर्फ हमें जो वेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम की एक मेल का, जो कि मेल हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद जाएगी और उसकी सीसी जो है मोमिन मलिक को होगी, तो जल्दी हम रब्ता कायम करेंगे, आज हमने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि वो भी सर बिजी थे। सर पिछले दिनों एक बांग्लादेश की लड़की को अरेस्ट किया गया और 24 आवर्स में उसकी चार्जशीट भी आई, उसको अरेस्ट भी किया गया, इवन के जहां वो रह रही थी उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, और 48 आवर्स में बांग्लादेश में पता करवाया गया ये औरत कौन है जिसने जाली पासपोर्ट भी बनाया हुआ है, आधार कार्ड भी और सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो सर 48 आवर्स में इतना तेजी से काम हुआ है उस औरत के ऊपर, हमारा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन या आखिरी क्वेश्चन है कि सर एज अ लायर आप क्या समझते हैं कि सीमा हैदर और ये जो केस जिसमें इतनी जल्दी काम हुआ और सीमा हैदर में इतना डिले क्यों हुआ, बस ये आखिरी क्वेश्चन है सर, आप क्या समझते हैं? इसीलिए तो केस ट्रांसफर करा रहा हूं मैं, एक लाइन में जवाब दे दिया आपको सर, मैं समझ गई। केस ट्रांसफर की जो डिस्कशन हुई वो एक लाइन में जवाब दे दिया, वो इसीलिए हुई क्योंकि वो जो आप जिस केस की आप बात कर रहे हो वो पुलिस कहीं और की पुलिस थी, वो यहाँ की पुलिस नहीं थी, तो मैं जो केस ट्रांसफर करा रहा हूँ वो उसकी वजह यही है कि सही से काम नहीं हो रहा और उस पर वेट हमने काफी कर लिया, चलान नहीं आ रहा है, तो अब हमें चाहिए कि हम उस स्थान को छोड़ दें जहां कोई काम ना हो रहा हो। जब कोई आदमी कहीं कामयाब नहीं होता तो बुजुर्ग कहते हैं कि उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चला जाना चाहिए, हिजरत करनी चाहिए, हिजरत में बड़ी बरकतें वो होती है। तो हमने एक लाइन में आपको जवाब दिया कि जो केस हम ट्रांस कर रहे हैं वो वजह यही है
वहां पर लाएंगे और नए सिरे से इसकी जांच कराएंगे, बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। सर पूरे पाकिस्तान से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सारे आपके लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा मेरे भाई को और बच्चे जरूर अपने बाप को मिलेंगे। और असल में आपका आप दो हफ्ते बाद या एक महीने बाद आ जाते हैं, तमाम चीजें आप बिल्कुल साफ करके चले जाते हैं जो लोगों ने इधर उधर बातें की होती हैं, सारा कुछ है। अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए।